अब खबर गोरखपुर से है, जहां पुलिस ने राह चलते लूट को अंजाम देने वाले तीन बदमाशों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर पुलिस लाइन के सभागार में एसएसपी डॉक्टर ग्रोवर ने बताया और इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि तीनों बदमाशों ने बांसगांव थाना क्षेत्र के पोखर में एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की गोली मारकर 1,58,000 रुपये लूट लिए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों बदमाश बांसगांव थाना क्षेत्र में बैंक और ग्राहक सेवा केंद्र से पैसे निकालकर घर जाने वाले लोगों को टारगेट करते थे। पुलिस ने पकड़े गए तीनों बदमाशों के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और लूट के रुपए के साथ बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद की है। जैसा कि आप अवगत हैं कि शासन के निर्देशानुसार और पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ माननीय न्यायालय में हर स्तर पर पैरवी की जा रही है, ताकि जो अपराध उनके द्वारा कारित किया गया है उसमें सजा उनको दिलवाई जा सके। इसी क्रम में प्रतिदिन जनपद गोरखपुर में पिछले एक साल से 125 से भी ज़्यादा व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है और इसके अलावा काफ़ी ऐसे अपराधी हैं जिनको विभिन्न प्रकार की सजाएं हुई हैं। इसमें जो हमारे विभिन्न हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे हर थाने पर पैरोकार होते हैं, संबन सेल है, मॉनिटरिंग सेल है, इसके अतिरिक्त हमारे JD प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, DGC ब्रांच है और बाकी जो अन्य जो हमारे प्रोसिक्यूशन के अधिकारी हैं, इनका एक बेहतर तालमेल सामने आया है। उसी क्रम में आज पुलिस लाइन में इन सभी विभागों की और विशेष रूप से जो थाने के पैरोकार हैं उनकी आज एक मीटिंग यहाँ पर की जा रही है।